इस प्यार को क्या नाम दें? उम्र में 42 साल छोटी बहू के साथ ससुर ने लिए 7 फेरे। 70 साल का ससुर और 28 साल की बहू बन गए हैं पति पत्नी। अक्सर हम सुनते हैं कि बेटे की मौत के बाद ससुर एक पिता का फर्ज निभाते हुए बहू की देखभाल करते हैं और फिर बेटी की तरह शादी करके विदा भी करते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। ससुर और बहू तो एक दूसरे को दिल ही दे बैठे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है, गोरखपुर के बड़हलगंज की, जहाँ छपिया उमराव गांव निवासी 70 वर्षीय कैलाश यादव ने अपनी 28 साल की पुत्रवधू से मंदिर में आपसी रजामंदी से शादी कर ली। कैलाश के 4 बच्चों में तीसरे नंबर की बहू पूजा के पति की मौत के बाद पूजा अपनी जिंदगी कहीं और बसाने की सोच रही थी, लेकिन इसी बीच ससुर का दिल बहू पर आ गया। इस विवाह को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस या प्रशासन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस के मुताबिक कैलाश के 3 बेटे थे, जिनमें से पूजा का पति सबसे छोटा था। उनका बड़ा बेटा भी छपिया उमराव गांव में रहता है, जबकि दूसरा बेटा बड़हलगंज पुलिस थाने के लिए भोजन बनाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद ही पूजा के पति की मौत हो गई थी। पूजा की कोई संतान भी नहीं है और कैलाश की पत्नी 12 साल पहले गुजर गई थी। कैलाश ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दोनों एक दूसरे से शादी करने में रुचि दिखा रहे थे, लेकिन कैलाश ने पहल की और खुद ही शादी का प्रस्ताव दे दिया, जिसके बाद दोनों ने एक मंदिर में ब्याह रचाकर हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इसी तरह की और भी रोचक जानकारी के लिए बने रहिए चेतना मंच के साथ।